अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इन्फो पर अपडेट लेकर मैं उल्फत बशीर हाजिर हूँ। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस की तरफ। हाई लेवल यूरोपियन यूनियन डेलीगेशन आज श्रीनगर पहुंचा। जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेट्स के खात्मे के बाद यूनियन टेरिटरी में जमीनी सुरक्षा का जायजा लेने के लिए ये वादी का दौरा करने वाला तीसरा डेलीगेशन होगा। डेलीगेशन का इजलास आज सेंट्रल कश्मीर के जिला बडगाम में सिविल सोसाइटी मेंबर्स से मिलना है। डेलीगेशन आते और जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर में सूरत हाल बेहतर नहीं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती कुपवारा के इलाके हंदवारा में एक इज्तिमा से खिताब कर रही थी। वो सरहदी जिला कुपवारा के दो रोजा दौरे पर है। डीडीसी के ज्यादातर मेंबर्स को यूरोपियन यूनियन डेलीगेशन से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही है, बल्कि इन्हें नजरबंद रखा गया। बड़गांव के डीडीसी वाइस चेयरपर्सन, सिर्फ कुछ ही डीडीसी मेंबर्स को ही यूरोपियन यूनियन डेलीगेशन से मिलने की इजाजत दी गई। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर में बानिहाल से बारामूला तक 22 फरवरी को ट्रेन सर्विस जजवी तौर पर दोबारा शुरू होंगे। कोविड 19 के वबा के बाद जम्मू कश्मीर में ट्रेन सर्विस गुजश्ता साल 19 मार्च को मुअत्तल कर दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 22 फरवरी तक मौसम खुश्क रहेगा और आइंदा हफ्ते बारिश की पेशगोई की गई। श्रीनगर में दिन का कम से कम दर्ज हरारत -1.2°C और पहलगाम में -4.5°, गुलमर्ग में -3.8°C रहा, जबकि लेह में रात का कम से कम दर्ज हरारत -10.7°, करगिल में -12.7 और द्रास में -20.9°C रिकॉर्ड किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल मजीद अपडेट के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें इन्फो बाग।